हाय एवरीवन, मैं हूं शबालम एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सहजादा। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वीडियो साइज को कंप्रेस करके बिल्कुल छोटा कर सकते हैं। गाइस, कभी आपने नोटिस किया है कि जब अगर आप इंटरनेट से कोई मूवी डाउनलोड करते हो फुल HD क्वालिटी में, तो 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे की मूवी आपको 1 GB के आसपास में मिल जाता है। लेकिन वही अगर आप फुल HD में अपने वीडियो को किसी वीडियो एडिटर से एक्सपोर्ट करते हो, 4-5 मिनट की वीडियो आपका 500 MB 600 MB का बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो मूवीज़ वगैरह होता है वो फुल्ली एनकोडेड होता है और एकदम कंप्रेस किया हुआ होता है, और जो आप वीडियो एडिटर से फाइल एक्सपोर्ट करते हो वो कंप्रेस सही से किया हुआ नहीं होता है, जिस वजह से आपका फाइल साइज जो है बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस फाइल साइज को आप बिल्कुल कंप्रेस कर सकते हो और 90% तक फाइल साइज छोटा कर सकते हो। जैसे अगर 1 GB की आपकी फाइल साइज है तो आप उसको 100 MB के आसपास बना सकते हो। तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पे इंटरनेट वीक है और आप यूट्यूबर हो या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो वगैरह अपलोड करते हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाला है। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट वीक है और आपको छोटे से वीडियो अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो आप फाइल साइज को रिड्यूस कर सकते हो। बिना क्वालिटी को रिड्यूस किए, बिना क्वालिटी लॉस किए आप फाइल साइज को छोटा करके फिर उसको अपलोड कर सकते हो, जिससे आप आसानी से अपलोड कर पाओगे कम से कम टाइम में, कम से कम डेटा लूज किए हुए। ये टेक्निक मैं तब यूज़ करता हूँ जब मेरे घर पे वाईफाई जैसे किसी ख़राब हो जाता है कभी कभी, तो उस टाइम पे मैं जब मोबाइल डेटा से अपना वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, तो उस टाइम पे मैं बिल्कुल कंप्रेस करके डालता हूँ। क्वालिटी ज़्यादा लूज़ नहीं होता, बहुत कम माइनर क्वालिटी लूज़ होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जो है फाइल साइज वो बिल्कुल घट जाता है, जिससे आसानी से मैं अपने वीडियोस को अपलोड कर पाता हूँ। तो चलिए, ये कैसे कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट आफ्टर दिस क्विक इंट्रो। तो गाइस, अभी मैं आ गया हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्राउजर खोल लेना है और यहाँ पे ब्राउजर में आपको टाइप करना है हैंड ब्रेक। जैसे ही आप हैंड ब्रेक टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा एक वेबसाइट जिसका नाम है handbrake.fr, और इस वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड हैंड ब्रेक 1.3.3 ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हो और आपका विंडोज 7 और 7 से अपग्रेडेड है, मतलब 8.1 है या 10 है, तो आप यहां से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। या फिर आप मैक या लिनक्स वगैरह के लिए, अदर प्लेटफॉर्म के लिए डाउनलोड करना चाहते हो तो अदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करके यहां पे, जैसे ही अदर प्लेटफॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको लिनक्स, मैक इन सब का ऑप्शन मिल जाएगा, यहां से उनके लिए आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये बिल्कुल फ्री है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ये कोई क्रैक व्रैक करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो डाउनलोड करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो यहाँ पे आप देखो डाउनलोड सेक्शन में ये फाइल जो है बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 12.9 MB का फाइल है। ठीक है, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे आप देखो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। तो इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करना है। इंस्टॉल करते वक्त कुछ नहीं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला ओपन कर लेना है सॉफ्टवेयर। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आप जो है अपने फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या फिर आप यहाँ से फाइल चूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। सिंगल फाइल ओपन करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या पूरे फोल्डर को ओपन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल फाइल पे क्लिक करेंगे और आप जहाँ पे भी आपका वीडियो है वहाँ से लोकेट करके आप जो है वीडियो सेलेक्ट कर सकते हो, ओपन कर सकते हो उसको सॉफ्टवेयर में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं कोई अपना वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला वीडियो। अगर इसका फाइल साइज देखें तो 19 मिनट का वीडियो है, 19 मिनट 19 सेकेंड का, और ये 1.36 GB का फाइल है। तो अगर इसको मैं चूज़ करता हूँ और यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसको जो है एक्सपोर्ट करने का ट्राई करता हूँ, तो कितना जो है हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं देखते हैं करके। ठीक है,
तो अगर फाइल आपने जैसे ही यहाँ पे कर लिया है तो उसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यूज मिल जाएंगे, कैसा कैसा आपका जो है ये है शुरू में, उसके बाद ये सब यहाँ से प्रीव्यूज देख सकते हैं ये सब, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो है और उसके बाद यहाँ से आपको प्रीसेट्स मिल जाते हैं और जैसे प्रीसेट्स पे क्लिक करते हो तो ये सारा आता है यहाँ से, जिसके लिए आप को करना है जनरल, ये सारे प्रीसेट्स हैं, इसको चूज करके आप कर सकते हो। लेकिन फॉर मैं इतना इन सब को चूज नहीं करता हूँ, मैं अपना ही एक सेटिंग कर लेता हूँ क्रिएट। तो यहाँ पे सिंपली समरी पे जाना है और ये वाला जो है वेब ऑप्टिमाइज, इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कुछ नहीं करना है। फिर डायमेंशन में जाना है, डायमेंशन हमारा 1920 और 1080 ऑलरेडी सेलेक्टेड है, मतलब फुल HD का डायमेंशन है, तो बहुत बढ़िया, इसमें और कुछ नहीं करना है, ये आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। अगर आपको क्वालिटी और रिड्यूस करना है तो वो आप कर सकते हो, बट मेरा जो है फुल HD का डायमेंशन है, मुझे फुल HD में ही रखना है, तो ठीक है। उसके बाद फिल्टर्स हमें कुछ लगाना नहीं है, तो फिल्टर्स में कुछ नहीं करेंगे, वीडियोज में जाएंगे। वीडियो में यहाँ पे देखो, वीडियो कोडेक यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है H.264, ये ऑलरेडी बहुत अच्छा कोडेक है, इसमें हम लोग चेंज नहीं करेंगे कुछ। यहाँ पे फ्रेम रेट 30 सेलेक्टेड है, लेकिन जो मैंने वीडियो एक्सपोर्ट किया था वो 25 फ्रेम रेट में किया था, तो वो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा और 25 सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्टेंट और पीक का ऑप्शन है फ्रेम रेट्स का, तो पीक में क्या होता है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कहाँ पे जो है फ्रेम रेट ज़्यादा की ज़रूरत है, कहाँ पे कम की ज़रूरत है, उसके हिसाब से ये अपना जो है फ्रेम रेट कर देता है चेंज। लेकिन हमें चाहिए कि कांस्टेंट ही रहे पूरे वीडियो में, तो कांस्टेंट फ्रेम रेट पे क्लिक कर देते हैं। उसके अलावा इधर की साइड देखें तो यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन है, कांस्टेंट क्वालिटी, और बाय डिफ़ॉल्ट ये 22 सेलेक्टेड रहता है, आप इसको स्लाइड करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इधर की तरफ करेंगे तो फाइल साइज और भी बड़ा हो जाएगा और इधर की तरफ करेंगे तो फाइल साइज जो है छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर जब हम माउस लाते हैं तो यहाँ पे कुछ हमें सजेशन नीचे दिया रहता है इस लाइंस में, सजेस्टेड वैल्यू यहाँ पे स्टैंडर्ड के लिए है 18 से 20 और हमारा हाई डेफिनेशन के लिए है HD के लिए है 20 to 23। तो यहाँ पे मैं 23 सेलेक्ट कर लेता हूँ, 23 हाई डेफिनेशन हमारा HD वीडियो है तो इसलिए 23 हमने सेलेक्ट कर लिया, तो 20 to 23 के बीच में इन्होंने सजेस्ट किया था तो मैंने 23 सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ऑडियो में जाते हैं, ऑडियो में हमारा ऑलरेडी ACC फॉर्मेट सेलेक्टेड है तो अच्छा है, स्टीरियो भी सेलेक्टेड है ये भी अच्छा है। तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना, सबटाइटल में कुछ चेंज नहीं करना, चैप्टर्स में कुछ चेंज नहीं करना, तो ये सारा हमारा हो गया है। इसके अलावा अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लोकेट कर लेंगे कि कहाँ पे हमें फाइल जो है एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे जिस फाइल से हमने इंपोर्ट किया है उसी फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे ताकि हम लोग कंपेरिजन देख पाएँ। तो ये मैंने फाइल चूज कर लिया है और यहाँ पे इसका नाम जो है सेम नाम रखता हूँ, बस आगे जो है कंप्रेस जोड़ देता हूँ ताकि हमें पता चले ये वाला कंप्रेस्ड फाइल है, फिर हम लोग कंपेयर करेंगे। तो ये कंप्रेस्ड जो दिया है और ये MP4 फॉर्मेट में जो है होगा, उसके बाद यहाँ पे सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद आपको बस स्टार्ट इनकोड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे स्टार्ट इनकोड पे क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप जो आपने सेटिंग वगैरह चूज किया है उसको आप प्रीसेट में अपना सेव करना चाहते हैं कि हर बार ये सब सेटिंग ना करना पड़े, तो वो आप यहाँ पे ऐड प्रीसेट पे क्लिक करके और यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं प्रीसेट का। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर डाल देता हूँ HD और टेक्निकल शहजादा को TS डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने डाल दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया, तो यहाँ पे जो है कस्टम ऑलरेडी आ जाएगा। तो एक मैंने HD फुल HD टेक्निकल शहजादा पहले से कर रखा था और यहाँ पे अभी HD TS जो है सेलेक्ट हुआ। नेक्स्ट टाइम से हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे प्रीसेट पे तो ऑलरेडी सारा सेटिंग जो है अप्लाई हो जाएगा। तो ये सब कर सकते हैं आप, बार बार आपको सेटिंग वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कस्टम प्रीसेट बना लीजिए, हर वीडियो में वो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमने एनकोडिंग स्टार्ट कर दिया था तो ये यहाँ पे एनकोडिंग हो रहा है और यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हैं, और ये इनकोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि जैसे ही आप वीडियो एक्सपोर्ट करते हैं वीडियो एडिटर से तो रेंडरिंग में टाइम लगता है, वैसे ही इसमें भी टाइम लगता है। तो ये
काफ़ी बड़ा वीडियो था, कितना ये था 19 मिनट का वीडियो था ये, तो 19 मिनट के हिसाब से ये इसमें लग जाएगा एक्सपोर्ट में 10 मिनट के आसपास मेरे लैपटॉप में। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं, जब ये 100% हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कंपेयर करके कि फाइल साइज कितना रिड्यूस हुआ है और क्वालिटी में क्या फ़र्क आया है। ठीक है, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पे आप देखें ऑलमोस्ट जो है होने वाला है पूरा 99% हो चुका है। तो जैसे ये पूरा हो जाता है तो उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो 100% हो गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्यूब फिनिश्ड। तो अभी हमारा जो है एनकोड पूरा हो चुका है, तो अभी उस वाले फोल्डर में चलते हैं जहाँ पे हमने ये फाइल सेव किया था। तो फोल्डर ओपन कर लेते हैं, आउटपुट नाम का फोल्डर था और ये वाला जो है फाइल का हमने कंप्रेस किया था। तो ये आप देख सकते हैं हाउ टू एडिट वीडियो फॉर इंस्टाग्राम विथ मोबाइल, और ये वाला हाउ टू एडिट वीडियो फॉर इंस्टाग्राम विथ मोबाइल, और ये कंप्रेस्ड है। तो अगर इसके प्रॉपर्टीज में आपको दिखाऊं तो इसका फाइल साइज आप देख सकते हैं 1.36 GB है। ठीक है, और इसके प्रॉपर्टीज में आपको दिखाता हूँ मैं, तो ये आप देखो फाइल साइज 192 MB ओनली, मतलब 1.36 GB इसमें और 192 MB, तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, पहले ये वाला प्ले करता हूँ कंप्रेस वाला। ठीक है, देखो। हाय एवरीवन, मैं हूं सवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सहजादा। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंस्टा, तो आपने देखा क्या है क्वालिटी कंप्रेस होने के बाद, एकदम बढ़िया है। ठीक है, अभी आप देखो इस वाले का क्वालिटी जो ओरिजिनल था। हाय एवरीवन, मैं हूं सवाल एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल सहजादा। तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊं, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है ऐसे, लेकिन आप देख सकते हो फाइल साइज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 1.36 GB और 192 MB, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं थोड़ा सा इनकोड करके, और आप कहीं भी इजीली इसको अपलोड कर सकते हैं। 1.36 GB अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा और 192 MB अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा वो आप खुद ही जान सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट में लिख के बताओ ये आपको वीडियो कैसा लगा। और मुझे अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, और इस सॉफ्टवेयर का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।